लेकिन ये है कि हाँ वीडियो में प्राइसिंग इतनी खतरनाक रहने वाली है कि नेक्स्ट लेवल प्राइसिंग की आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब आपके पैर टूट जाए ना घूम घूम के, आना यहाँ पे रेस्ट करना आराम से, फिर बात करना कि भैया ये प्राइसिंग मिल रही है मेरे को, दे देना लिस्ट जो आप लेके आए हो पीछे से, मैं आपको बेस्ट प्राइस। सीन क्या होता है, आप मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कंसल्टेशन लो पेरेंट्स के साथ बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फाइनलाइज कर पाते हो अपना पीसी, डिसाइड कर पाते हो। अब एक बात बताओ, लोग एमएसआरपी करते हैं दीपक भाई, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ ठीक है, तो एक बात बताता हूँ मैं आपको, नहीं मैं देखो मैं सोचता हूँ ना मेरे सब्सक्राइबर को बेस्ट से बेस्ट प्राइस मिल सके। दीपक भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट प्राइस, सही बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, फिर भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, प्राइसिंग बेस्ट है मेरी, ये चीज मैं खुल के बोल रहा हूँ, चाहिए प्राइसिंग बेस्ट है मेरी। मैं तो बस बैठा हूँ, स्टोर तो आप लोगों का, हमारे सबके सब्सक्राइबर्स का स्टोर है, ये समझ। मैं कह रहा हूँ ये प्राइसेस तो हमने बताया सिर्फ ग्राफिक कार्ड की, कह रहा हूँ हार्ड ड्राइव, रैम, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, SSD, ठीक है, बत्तेरी चीजें रहती है, लिक्विड कूलर, कैबिनेट, उन सब की प्राइसिंग जब सुनोगे ना मजे आ जाएंगे, सही में मजे आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे। क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और अभी मैं हूँ नेहरू प्लेस। मेरे पीछे आप पूरी नेहरू प्लेस की मार्केट देख सकते हो, और भाई अभी रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है नेहरू प्लेस में। तो अभी मैं जिस स्टोर पे आया हूँ उसका नाम है इन्फिनिटी गैजेट्स, इधर आप पूरा स्टोर देख सकते हो। तो ये स्टोर अभी मुंबई से दिल्ली में न्यू ब्रांच इसकी ओपन हुई है, जो कि आपने पहले भी मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी और दूसरे चैनल पर भी देखी होगी इन्फिनिटी गैजेट्स की, तो प्राइसिंग इनकी काफी अच्छी रहती है। तो अभी हम इन्फिनिटी गैजेट्स के अंदर चलते हैं ऊपर, जो कि ड्यूअल चैम्बर के फर्स्ट फ्लोर पे है। जैसे ही आप नेहरू प्लेस के अंदर आओगे, सत्यम सिनेमा है, सत्यम हॉल है, उसके बैक साइड में ड्यूअल चैम्बर है, तो यहाँ पर आसानी से ये स्टोर आपको मिल जाएगी। तो अभी हम स्टोर के अंदर चलते हैं, सभी चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है गाइस, अभी हम स्टोर के अंदर आ चुके हैं, पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने सबसे पहले तो ये जो प्रोडक्ट है वो लगा लिए, प्रोडक्ट ग्राफिक कार्ड, हमारे फेवरेट धीरज भाई। कैसे हो धीरज भाई आप? एक नंबर दीपक भाई, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो आपने फाइनली जिस चीज का लोग बाग इंतजार कर रहे थे वो कर दिया है। बिल्कुल कर दिया यार मैंने, दिस इज द राइट टाइम, जैसे दीपक भाई ने बोला, तो स्टोर मैंने ओपन नया किया आप लोगों के लिए, वो भी नेहरू प्लेस जैसी मार्केट में, इतना ह्यूज स्टोर की आप लोगों के यहाँ पे कम्फर्ट है, स्पेस है, आराम से आओ, सारी चीजें सॉर्ट होके मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, अभी एकदम राइट टाइम है कि मैं ये नहीं कहूंगा, देखो MSRP, अभी MSRP के बारे में लेटर ऑन बात करेंगे वीडियो में, लेकिन ये कि हाँ वीडियो में प्राइसिंग इतनी खतरनाक रहने वाली है कि नेक्स्ट लेवल, सही मन करेगा पीसी बनवाने का। बिल्कुल बिल्कुल सही में, बिल्कुल। तो यार मतलब अभी मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ प्राइस जानने के लिए, क्योंकि धीरज भाई यार, क्योंकि मार्केट की वीडियो एक्सप्लोर करते रहते हैं, इनको पता है किस टाइप की प्राइस चल रही है और अभी किस टाइप की प्राइस देनी है, ठीक है ना। और प्राइस एकदम जबरदस्त चाहिए यार, जबरदस्त। दीपक भाई मैं क्या कह रहा हूँ, सेम चीज मैंने गुजरा हुआ हूँ, मैं मुझे पता है क्या स्ट्रगल होता है लोगों का, लोगों के कमेंट्स क्या आते हैं जब हम वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं। तो डोंट वरी अबाउट द प्राइस गाइस, जस्ट डिसाइड आपको चाहिए क्या एंड लेट मी नो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अलावा। तो सबसे पहले तो धीरज भाई एक बार अपनी स्टोर के बारे में बताइए। बिल्कुल यार, ये स्टोर मैंने यहाँ पे अभी नेहरू प्लेस में कुछ ही टाइम पहले ओपन किया है, और ये आपका दोहिल चैम्बर बिल्डिंग में है। तो जैसे ही आप नेहरू प्लेस में एंटर करते हो, बैक साइड ऑफ सत्यम सिनेमा, आपको बड़ा सा एक डिस्प्ले बोर्ड दिखता है, वहां पर एक एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है, उसमें जो लोग आए होंगे नेहरू प्लेस को पहचान सकते हैं। तो एंटर करते ही फर्स्ट फ्लोर पे हमारी शॉप है इन्फिनिटी गैजेट्स के नाम से, मुंबई में भी एक ब्रांच है हमारी, आप लोगों ने पहले भी वीडियोस देखी होगी इन्फिनिटी गैजेट्स की मुंबई में, और ये अपनी सेकंड ब्रांच है दिल्ली में नेहरू प्लेस में, ठीक है। और जो स्टोर है वो बाहर से आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा, ठीक है। तो एक बार मेरे को आप ये बताइए, वैसे तो आप किन किन चीजों में डील करते हो, वैसे तो दिख ही रहे हैं फिर भी आप बताइए, ठीक है। दीपक भाई देखो, हम गेमिंग लैपटॉप हो गए, एंट्री लेवल लैपटॉप हो गए, हाई एंड लैपटॉप हो गए, आपको 11-12 जनरेशन का लैपटॉप चाहिए वो भी अवेल करा देंगे। उसके अलावा यार आपके हेडसेट, कीबोर्ड, गेमिंग माउस, कोई भी XYZ बेसिक पीसी, गेमिंग पीसी, मीडियोकर पीसी, कैसा भी पीसी चाहिए आप अपने रिक्वायरमेंट बताओ, गेमिंग लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में टोटल हम काम करते हैं। उसके अलावा यार जैसे प्रिंटर, अब बीइंग अ गेमर प्रिंटर बोलना मेरे को शोभा नहीं देता, बट किसी किसी के काम का होता है, तो किसी को प्रिंटर चाहिए हो, XYZ कुछ भी इन चीज से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए हो, सारी चीजें हम केटर करते हैं, ठीक है। तो एक बार मेरे को आप ये बताइए धीरज भाई, देखो नेहरू प्लेस मतलब हब है, हब है, बिल्कुल हब है। तो अभी आपने एकदम न्यू स्टोर ओपन की है, न्यू मान सकते हो क्योंकि मुंबई में है, काफी अच्छा नाम है मुंबई में, पर यहाँ पे नेहरू प्लेस में न्यू है, बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरीके से मतलब आप यहाँ पर आगे, मतलब आपकी प्राइसिंग किस तरीके की रहेगी और क्या सर्विस रहेगी, क्योंकि मतलब पूरी मार्केट में बड़ी बड़ी स्टोर है, काफी अच्छी अच्छी भी है, आपके पास कस्टमर, मेरा कहने का मतलब आपके पास में ही क्यों आए? बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है दीपक भाई ने। दीपक भाई इसका रीजन ये है, प्राइसिंग की आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब आपके पैर टूट जाए ना घूम घूम के, आना यहाँ पे रेस्ट करना आराम से, फिर बात करना कि भैया ये प्राइसिंग मिल रही है मेरे को, दे देना लिस्ट जो आप लेके आए हो पीछे से, मैं आपको बेस्ट प्राइस दूंगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं मुद्दे की बात पर, बिल्कुल बिल्कुल मुद्दे की बात, मुद्दे की बात करते हैं, बिल्कुल प्राइसिंग, बिल्कुल। तो अभी हम यहाँ पे अगर स्टार्ट करें प्राइसिंग की, तो जैसे 710, 730, 1030। दीपक भाई सबसे बड़ी बात यार, ये कार्ड में वैसे रेकमेंड करता नहीं हूँ किसी को, कि जिसका अगर बजट है ना थोड़ा बहुत भी, तो मैं उसको रेकमेंड करूंगा एटलीस्ट 1050 Ti के साथ जाए। अगर कोई गेमिंग पीसी, एडिटिंग
पीसी इस काम के, इस लेवल के काम के लिए अगर कोई पीसी ले रहा है तो यार मिनिमम मैं 1050 Ti आज के डेट में रिकमेंड करता हूँ बंदे। एक मेरे पास कल कस्टमर आया था 1030 वो मांग रहा था, उसका बजट था 9-10 हज़ार रुपए, कुछ पैसे और करवा के उसको समझा के 1050 दे के भेजा। ओके क्योंकि फायदा नहीं है ना, समझ रहे हो आप, जब उस बंदे का बजट है 10,000 का, उसको मैंने समझाया और कंपोनेंट्स में कर सकते हैं इधर उधर कॉम्प्रोमाइज, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप 1050 Ti लेके जाओ, लेके ही जाओ, लेके वही मतलब वही 3-4 हज़ार का फर्क होता है और वो लाइफ टाइम फिर एंजॉय करेगा, एंजॉय करेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात होती है ना, मतलब इसी चीज की कमी रहती है मार्केट में, सही गाइडेंस, सही गाइडेंस, जो कि अभी गाइडेंस क्या है बराबर नहीं मिल पाते क्योंकि टाइम ही नहीं होता है लोगों के पास। यहाँ पे आपने देखा होगा आपको कोटेशन, हाँ जी क्या चाहिए, कोटेशन आपको मिल जाती है, लेके जाते बनो फिर आप दूसरी दुकान पे जाओ। ठीक है, तो पर इधर ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर टाइम भी नहीं है फिर भी आपको देना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ नंबर है, कॉल करो, व्हाट्सएप पे क्वेरी डालो, कॉल भी कर सकते हो, पॉसिबल जितना होगा मैं उतनी कॉल्स उठाऊंगा। उसके बाद यार स्टाफ भी है कॉल उठाने के लिए, व्हाट्सएप पे क्वेरी डालो, आपको बराबर कोटेशन मिलेंगी। और उसके बाद स्टोर विजिट अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए ही खोला है भाई, आपको ही टाइम दिया जाएगा यहाँ पे, मैं खुद को टाइम देने नहीं आ रहा हूँ, आप लोगों को टाइम देने आ रहा हूँ स्टोर। तो एक बार प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब्सक्राइबर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइसिंग शुरू करते हैं भाई। प्राइसिंग अपन देखो फिर से वही 710 वगैरह की प्राइसिंग मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, बता देता हूँ, बट भाई ये कि जिसका बिल्कुल लो बजट है ना, या तो वो एपीयू बिल्ड ही करा ले इनको लेने से अच्छा, बट जस्ट इन केस होते हैं लोग डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं, डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं, जो भाई होती है प्रेफरेंस, में एपीयू नहीं लूंगा मैं, सीपीयू लूंगा, बिना डिस्प्ले वाला एक प्रोसेसर लूंगा फिर मैं ये लगाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन 710 से स्टार्ट करते हैं भाई, 710 की प्राइसिंग अपनी पड़ती है 3200 रुपए, थोड़ा 200-300 ऊपर नीचे वो ब्रांड का, आपको पता है कि 100-200-300 का डिफरेंस होता है ब्रांड्स में, बट 3200 की प्राइसिंग में आपको 710 अवेल मिल जाएगा, 2 GB का वेरिएंट होता है। ठीक है, अभी इनको ना जल्दी जल्दी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं 730 4GB आपको मिल जाएगा 5500 रुपीज, जो आपकी प्राइस होगी, जितने भी आपका अभी प्राइस बता रहे हो जितने भी काट के, तो सही जीएसटी आपको पता है, बिल्कुल यार, मतलब जो आपके सब्सक्राइबर है वो मेरे भी सब्सक्राइबर है और हमारे म्यूचुअल भी है और ऑडियंस सेम है और हमारे को सेम क्वेश्चन मिले हुए हैं पास्ट में। 1030 यार कभी स्टॉक में रहता है कभी नहीं रहता है और मैं रेकमेंड भी नहीं करता वो कार्ड। तो उससे बढ़िया आप 1050 Ti की तरफ जाओ। 1050 Ti की प्राइसिंग जो है 14,800 रुपए, वो 15 भी हो जाती है, 200 रुपए के लिए मेरे को ये मत बोलना बाद में कि प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, ठीक है, कम भी तो हो सकती है, कम भी हो सकती है, अगर कम होगी तो मैं कम भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1050 Ti के बाद अपना फेवरेट कार्ड आता है 1650, जो कि मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं, मोस्टली क्या, मेरे खुद के पीसी में 1650 है भाई। 1650 ना आज उस प्राइस में आ गया, जब 1.5 साल पहले मैंने अपना पीसी बनवाया था ना, मैंने भी सेम प्राइस में लिया था और मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि आज वो कार्ड में सेम प्राइस में लोगों को दे पा रहा हूँ। 16,500 रुपए दीपक, 16,500, मैंने भी 1.5 साल पहले ये कार्ड इतने का ही लिया था। आपको पता है इसका ट्रेंडिंग प्राइस था 22-23-24 तक, फिर डाउन आया तो 20-21 का ट्रेंड चला था इसका बीच में, फिर 19-20 का, अभी 16,500 में आपको 1650 अवेल हो जाएगा मेरे यहाँ से। इसके बाद बात करते हैं 1660 1660 भाई साहब 40,000 38,000 37,000 ये रेट चल रहा था माइनिंग के टाइम पे इसका। ठीक है, आज ये कार्ड मैं आपको दे दूंगा 20,500 में, 16,600 20,500 रुपए में, और 16,600 सुपर और Ti की अगर हम बात करें दीपक भाई, वो आपको हो जाएगा 21,500 से 22, डिपेंडिंग ऑन ब्रांड, मतलब 2500 में दे दूंगा कोई ब्रांड का, अगर कोई उससे ऊपर की ब्रांड है 22, उससे ऊपर नहीं। तो ये प्राइस फिक्स रहेगी या देखो सब्सक्राइबर आते हैं मेरे और आपके, कोई दोनों के ही सब्सक्राइबर है यार। ठीक है, फुल रिस्पेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा डिस्काउंट करना भाई। देखो ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कोई मार्जिन नहीं रखा है, बिल्कुल मिनिमल मार्जिन रखा है दीपक भाई, लेकिन अगर कोई बिल्ड कराता है ठीक है, और कंपोनेंट्स में भी मेरे थोड़ा बहुत जो मार्जिन है, आई ट्राई टू मिनिमाइज दैट आल्सो, मैं उसको भी मिनिमाइज करूंगा और बंदे को खुश करके भेजना ही मेरा काम है। उसको नॉलेज मिलेगी, उसको बिल्ड करते हुए समझाया भी जाएगा क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। खैर आजकल तो सब लोग इतने अपडेटेड है कि हमसे भी ज्यादा पता होता है कई सब्सक्राइबर्स को, ये बहुत ज्यादा पता रहता है, बहुत ज्यादा पता रहता है, लेकिन स्टिल काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि इंटरेस्टेड होते हैं समझने में, उनको नहीं पता रहता, तो फुल पावर यहाँ पे समझाया जाएगा जब आप बिल्ड कराओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसी से रिलेटेड। अब बात कर रहे हैं 2060 और 2060 सुपर की। 2060 आपको 25,000 में मिल जाएगा, 25,000 हाँ, और 2060 सुपर आपको मिल जाएगा 28,000 रुपए में, 28,000 काफी अच्छे प्राइस होगा, काफी अच्छे प्राइसिंग यार, 50 तक टच किया था ठीक है, 60 तक 2060 सुपर गया था, लेकिन अभी ये प्राइसिंग आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं रिसेंटली लॉन्च एक कार्ड आया था 3050 दीपक भाई, 30 सीरीज तो एकदम बूम है, बूम है, ठीक है, मैं तो ये कहता हूं 20 सीरीज पे मत ही जाओ, अपना 30 सीरीज पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रीसेंट प्राइसिंग 3060 ले लो यार, 3060 लो, अच्छे प्राइस में देने वाला हूं 3060, याद रखना, बेस्ट है भाई, बेस्ट है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं 3050 भी ना मत लो, 3060 लो भाई, चलो 3050
50 के बारे में बात करते, बात करते हैं दीपक भाई। 30-50 आपको मैं दे दूंगा 27,500 रुपए। हाँ ठीक है, हो सकेगा 27 में भी दे दूंगा अगर मुझे कॉस्टिंग कम आ रही होगी। ठीक है मैं 27 में भी दे दूंगा, बट अभी मैं 27 में ही कर देना। कर दूं? हाँ कर दो, 27 में कर दिया। ठीक है देख लेंगे, 27 में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। इसके बाद बात करते हैं दीपक भाई 30-60 की। 30-60 यार आपके हिसाब से हाईएस्ट प्राइस क्या था 30-60 का? हाईएस्ट तो बहुत ज्यादा गए थे। कितना? फिर भी कितना? 50+ हो गया था। 50+ हो गया था। मैंने अपने सब्सक्राइबर को बूम टाइम पे ना मैं रेकमेंड नहीं कर रहा था। देखो मैं अभी रिसेंटली बताऊं, मैंने पिछली वीडियो में मैंने 33-34 के समथिंग कवर किया है। 31,500 रियल में? रियल 31,500 में 30-60 लेके जाओ, लेके जाओ। 31 ही कर दो, 31 कर देंगे। पीसी बनवाओगे तो इंडिविजुअल कार्ड से, इंडिविजुअल कार्ड से 31,500 भाई, 31,500 में 30-60 आपको मिल जाएगा। अब बात कर रहे थे 30-60 Ti की। ठीक है, 30-60 Ti अपना जो है बहुत मतलब माइनिंग में यूज कार्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है माइनिंग में 30-60 Ti। तो उसकी प्राइसिंग मैं आप लोगों को दे दूंगा 39,700 दीपक भाई। भाई गलत कमिटमेंट नहीं दूंगा, 39,700 फिक्स है ना प्राइस? अगर सब्सक्राइबर आके बोलने लगे तो ये नहीं होना चाहिए। लेके जाओ भाई, लेके जाओ ना आके तुरंत तुरंत। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी? डिलीवरी बिल्कुल। डिलीवरी से रिलेटेड बात करें दीपक भाई, अपनी शिपिंग लगा जहां बोलोगे वहां शिपिंग हो जाएगी। रही बात सीओडी की, दिल्ली में सीओडी अवेलेबल करा सकते हैं। आउटसाइड दिल्ली यार आपको एक टोकन अमाउंट दे दो, पूरा अमाउंट नहीं मांगा। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, इस एरिया में अपनी सीओडी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आपको लैपटॉप लेना हो, पीसी लेना हो, आपको स्टोर विजिट करना है, तो यार मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे स्टोर में कोई आ रहा है। अगर आपको नहीं विजिट करना, आपने घर पे डिलीवरी चाहिए ना, उसका भी सोल्यूशन है दीपक भाई। आपने जैसे पीसी लेना है, आप आना नहीं चाहते, आप बिजी हो, आपके जैसे एक बच्चा भी होता है, छोटे स्कूल के बच्चे भी पीसी बनवाते हैं, उनके पेरेंट्स बिजी है, आप मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कंसल्टेशन लो अपने पेरेंट्स के साथ। ओके, क्योंकि पेरेंट्स का सबसे मोटिव होता है यार उनके पास टाइम नहीं होता, वर्किंग होते हैं मोस्टली पेरेंट्स। तो सीन क्या होता है, आप मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कंसल्टेशन लो पेरेंट्स के साथ बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फाइनलाइज कर पाते हो, अपना पीसी डिसाइड कर पाते हो, सेम डे आपको बिल्ड मिलेगा, बिल्ड शूट भी होगा, बिल्ड की आपको वीडियो चाहिए वो भी अवेल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली एनसीआर के अंदर पीसी बिल्ड अगर कोई ऐसे स्टोर पे ना आके कराता है ना घर से वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू, तो सेम डे डिलीवरी है। सेम डे। अभी हम यहाँ पे बात करें 3070 and 3070 Ti के बारे में। बिल्कुल यार, ये थोड़े हाई एंड कार चले जाते हैं दीपक भाई, जो कि बहुत डिमांड में थे माइनिंग के टाइम पे, लेकिन अभी मार्केट माइनिंग का इतना डाउन आ गया है कि हमारी जो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट बहुत कम हो चुकी है। इथेरियम की बात करते हैं 3.5 लाख हाईएस्ट टच किया था, अभी उसकी वैल्यू 1,10,000, 1,11,000, 1,12,000 ऐसे इस टाइप से चल रही है। से नीचे भी चली गई, चली गई थी 80 तक गई थी, अभी थोड़ी सी स्पाइक आया था उसमें, 1 से ऊपर है अभी, लेकिन जाएगी वो कभी ना कभी 3.5 भी जाएगी, लेकिन अभी नहीं जाएगी। दिस इज द राइट टाइम, जिसको मतलब बनवाना है बनवा लो। इट्स यार ऑलमोस्ट क्लोज टू एमएसआरपी मैन। अब एक बात बताओ, लोग एमएसआरपी करते हैं दीपक भाई, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, तो एक बात बताता हूँ मैं आपको, आज की डेट में दूध की थैली होती है फुल क्रीम वाली, कितने की आती है दीपक भाई अगर आपको पता हो आज का अंदाजा? फुल क्रीम शायद 35-40 नहीं, बिलो 30 रुपए की आती है मेरे हिसाब से। बट उसकी एमएसआरपी क्या थी कई साल पहले? 24। तो जो लोग एमएसआरपी की बात करते हैं ना, ऑफिशियल एमएसआरपी जो कई साल पहले बताई गई थी, वो ही लोग गाना गा रहे हैं आज तक। 2-4 हजार तो यार हर चीज की कीमत बढ़ती रहती है, हर साल इन्फ्लेशन नाम की भी एक चीज होती है। बट राइट नाउ जो प्राइसिंग अभी है ना, आई डोंट थिंक कि 100-200-500 ऊपर नीचे हो सकती है आने वाले टाइम में, बट आई डोंट थिंक कि इससे नीचे जाएगी कभी। अगर चली जाएगी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 1650 बताया 16,500 का, हो सकता है डाउन जब जाए थोड़ा, क्या पता 16 चला जाए या 15,800 चला जाए या 15,500, लेकिन उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया कि वो कार्ड 10,000 का हो गया अभी कुछ टाइम के लिए, और आगे का तो कुछ नहीं पता। इतना ज्यादा तो अंतर्यामी मैं भी नहीं हूँ कि 6 महीने बाद की कहानी में बता सकूं, बट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का ट्रेंड, दिस इज द ट्रेंड, इससे नीचे नहीं। अभी बेस्ट टाइम है पीसी बिल्ड कराने का, है मेरे हिसाब से है, क्योंकि यार 30-60 लोगों ने 50-50, 55-55 हजार में लिया हुआ है। अभी क्या प्राइस दिया मैंने? कुछ भी नहीं दिया, 31,500 यार, क्या प्राइसिंग है? कुछ भी प्राइसिंग नहीं है पहले और पीसी बिल्ड करा दे तो 31 पीसी बिल्ड कराओगे तो 31। 3070 की बात चल रही थी भाई, 3070 में आपको दे दूंगा 47,600 47,500 दीपक भाई, पीसी बिल्ड कराओगे 47 कर देंगे। फिर बात करते हैं भाई 3070 Ti। 3070 Ti यार अगर आप इस लेवल का कार्ड ले रहे हो तो यार मतलब आपने प्रोसेसर भी बढ़िया चूज किया होगा, आपने मदरबोर्ड भी, तो बहुत हैवी बजट में चला जाता है। इस तरीके का पीसी अगर आप बनाते हो तो मैं आपको कार्ड की कॉस्टिंग दे दूंगा 55,200, राउंड फिगर कर देते भाई। और क्या चाहिए यार
बताओ बता दो सच में, इसके अलावा भी कुछ चाहिए ना बता दो। सुनने के लिए कमेंट कर दो, कमेंट करो, सुनने के लिए बैठे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर लो, व्हाट्सएप पे बात करो, नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है ठीक है। उसके अलावा यार आगे बढ़ जाते दीपक भाई, 3080 भाई 80 प्लस चल रहा था कार्ड, कभी लाख से ऊपर भी गया है एक टाइम पे। आज मैं आपको वो कार्ड दे सकता हूँ 68,300 में, 68,300। हाँ देखो आप राउंड फिगर में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हो, मुझे ऐसा लग रहा है हो जाएगा राउंड फिगर। देखो मैंने ये कोस्टिंग ना इंडिविजुअल कार्ड की जीएसटी प्राइस नहीं, देखो मैं सोचता हूँ ना मेरे सब्सक्राइबर को बेस्ट से बेस्ट प्राइस मिल सके। दीपक भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट प्राइस, सही बता रहा हूँ। हाँ, ये कराते हो जो मैंने प्राइसिंग दी है, दीपक भाई जैसे राउंड फिगर करने में विश्वास रख रहे हैं, मैं कर दूंगा वो चीज भी अगर आप पीसी बिल्ड करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3080 68,300 राउंड फिगर कर देंगे इनकेस यू आर बिल्डिंग ए पीसी, नो प्रॉब्लम। 3080 टीआई की बात करें यार, ये भी 1.10, 1.20, 1.25 तक बिका है कार्ड। ओके तो ये कार्ड मैं आपको दे दूंगा 82,850। इसमें राउंड फिगर मत बोल, नक्कत हो जाएगी मुझे, कोई नहीं उतना तो मैनेज कर लेंगे मेरे सब्सक्राइबर, कर लेंगे। हाँ कर लेंगे, इतना सॉर्टेड है। तो 82,850 में आपको 3080 टीआई मिल जाएगा। फिर बात कर रहे 3090 की यार, 3090 का सीन क्या है भाई, इतने तक आपने हाईएस्ट कितना सुना 3090 का प्राइस जब बूम पे था, सब तो 2.78 बस बात वही खत्म हो जाती है। 1,17,600 रुपए, 1,17,600 रुपए लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, जिसकी डिमांड है। अभी दो मंथ पहले जो प्राइस चल रहे थे उसमें एक ग्राफिक्स कार्ड आता, तो अभी दो आ जाएंगे 1,17,600 रुपए, ठीक है। मस्त प्राइस है, मस्त प्राइस है, पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करना, दीपक भाई के चैनल को पूरा सपोर्ट करना और हमारे स्टोर को भी सपोर्ट करना। पीसी नहीं लेना, दिल्ली में रहते हो घूमने आ जाओ, मिलने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं तो बोलूंगा भाई एकदम, मतलब अगर आप आसपास रहते हो तो भाई जरूर विजिट करके जाओ, अगर नेहरू प्लेस आ रहे तो भाई जरूर विजिट करो, एक बार एक्सपीरियंस लो। धीरज भाई को जो इम्प्रूव करना चाहिए उसके बारे में बताओ, क्योंकि अभी न्यू स्टोर ओपन किया है तो आपकी जो एडवाइजर्स की आप लोगों के लिए काम करना है। देखो सीधी बात है, मैंने 1.5 साल यूट्यूब को दिया है, मैंने इतनी सारी मार्केट एक्सप्लोर किया है, उसके बाद ये चीज मैंने शुरू किया तो आप लोगों के लिए ही किया कि हम सबके सब्सक्राइबर्स को बेस्ट चीज हम प्रोवाइड करवा पाए बेस्ट से बेस्ट प्राइसिंग में। फिर मैं कहूंगा 1,500 क्या पता मुझसे भी सस्ता कोई कैसे ना कैसे दे रहा हो, ठीक है दीपक भाई, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। फिर भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, प्राइसिंग बेस्ट है मेरी, ये चीज मैं खुल के बोल रहा हूँ, प्राइसिंग बेस्ट है मेरी, बेस्ट प्राइस है। पर अभी मेरे को आप आफ्टर सेल सर्विस की बताइए, आफ्टर सेल सर्विस दीपक भाई अगर मुझसे कोई बिल्ड कराता है, ठीक है, हफ्ते 10 दिन क्या 30 डेज में कह रहा हूँ, 30 डेज तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे पास देखो दिल्ली एनसीआर में रहते हो ना, मैं आपके घर से सिस्टम उठवा लूंगा, कोई भी इशू आ रही है आप खुद इतने थोड़े से हो टेकी कि डायग्नोस करके मेरे को बता सको कि क्या प्रॉब्लम है, वेल एंड गुड, वीडियो कॉल पे हो जाएगा, ठीक है, वीडियो कॉल पे हो जाएगा। जस्ट इन केस आपसे वो नहीं हो पाता, मैं आपके घर से सिस्टम उठवा लूंगा, मेरे यहाँ पे आएगा, मैं चेक करूंगा कोई पार्ट खराब हुआ है, इतनी सारी ब्रांड्स है, ऑफिशियल वारंटी सब चीजों की रहती है, 2-2, 3-3, 5-5 साल की, मैं रिप्लेस करा के जैसे ही रिप्लेस हो जाता है आई विल सेंड द पीसी बैक टू योर होम। भाई मस्त सर्विस है, ठीक है, अगर आउट ऑफ स्टेट कोई रहता है, पूरी बात कंप्लीट करते हैं सर्विस को लेके, ठीक है, 30 डेज में किसी बाहर के बंदे ने मुझसे पीसी बनवा लिया जो आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर है, उसको गलती से कोई इशू आ गया, पहली बात तो यार पीसी बिल्ड करने के बाद ना लोग यहाँ पे टेस्टिंग नहीं करते, बस विंडोज डाल के दे देते हैं, ठीक है, अपना ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पर आपको कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, ये सब है, तो आप मुझे बताओ आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या इंस्टॉल आपको कराना है, वो सब करके मिलेगा, उसके बाद यार टेस्टिंग करके ही मैं दे पाऊंगा, जल्दी मत मचाना, आके रिलैक्स करना, बैठना बहुत स्पेस है, आराम से एसी लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मत लेना, आप आइए आराम से बैठिए, ठंडिया वा लीजिए, खाना पीना खाइए, करने के बाद मैं सिस्टम आपको हैंडओवर करूंगा। और बाहर के बंदे का पीसी अगर विद इन 30 डेज खराब हो जाता है, देखो 30 डेज में कह रहा हूँ, आपको बाहर रहते हो मैं समझता हूँ आपको दिक्कत है, आप मेरे को फोन करो धीरज भाई इसमें ये दिक्कत आ गई, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा डायग्नोस करने में कि पता कैसे लगाने कि क्या कंपोनेंट खराब हुआ है, आप मेरे को वो आउट ऑफ स्टेट रहता है। हाँ तो देखो विद इन 30 डेज अगर बंदा डायग्नोस कर सकता है ना, देखो मेरे को पूरी हेल्प करनी पड़ेगी उसकी डायग्नोस करने के लिए, बिकॉज वो आउटसाइड दिल्ली है, मेरी रेंज से भी बाहर है, समझो इसको, मैं फोन पे उसकी पूरी हेल्प करूंगा, जस्ट इन केस वो डायग्नोस नहीं कर पाता है तो उसके वहां से भी सिस्टम उठवाना पड़ेगा मुझे। तो उसमें क्या है, देखो भाई पीसी उठवाना और वापस भिजवाना इज ए कॉस्ट टू मी, और प्राइस में बेस्ट दे रहा हूँ, बहुत कम मार्जिन रख के, उसके साथ मुझे सर्विस भी देनी है, झूठी नहीं सच में देनी, सच्ची वाली सर्विस, ठीक है। तो एक साइड की कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी, शिपिंग साइड, एक साइड की, आपके घर पे बंदा आएगा उठाने, फिर जब मैं को वापस भेजना होगा तो आपको जो मिनिमल चार्जेस होते हैं यार 200-250-150 भी होते हैं कभी कभार, तो बहुत मिनिमल चार्जेस है, एक साइड की कॉस्ट आप बियर कर लेना, आउटसाइड दिल्ली हो तो विद इन दिल्ली है तो यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेम डे उठवा के, हो सकता है मैं सेम डे उसको फिक्स भी करा दूं और सेम डे भिजवा भी दूं, दिल्ली में तो फ्री शिपिंग वगैरह सब कुछ है, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आपका सिस्टम घर से उठवा लेंगे सीधा। और अगर आप आउट ऑफ स्टेट रहते हो तो भाई एक साइड की आपको मतलब शिपिंग का
चार दिन है, वर्स्ट केस सिनेरियो है। मैं कह रहा हूँ मैं टेस्टिंग के बिना सिस्टम नहीं दूंगा, मैं देता ही नहीं हूँ आदत। तो बाय चांस 100 में से एक बंदा आ गया, अब वो मशीनरी है यार, बट स्टिल उसके भी यार टेस्टिंग इसलिए होती है दीपक भाई की अच्छे से टेस्टिंग की जाएगी, चीजें रन करके देखी जाएगी कि प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम ना हो बंदे को, ठीक है। और अभी है ये चार्ज, अभी रुको थोड़ा सबर करो, अभी थोड़ा सही बता, ये भी खत्म हो जाएगा, सबर करो थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ आपको मेरे दिमाग में भी जो सर्विस नहीं है ना प्रोवाइड करने की, आप मुझे बताओ मैं क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, कमेंट में बता, कमेंट में बता दो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ सर्विस को देने के लिए आपको, यही करने के लिए ही मैं नेहरू प्लेस में बैठा, मैं तो बस बैठा हूँ। स्टोर तो आप लोगों का, हमारे सबके सब्सक्राइबर्स का स्टोर है ये समझ लो, ठीक है। तो एक बार धीरज भाई मतलब ईएमआई वगैरह की हम बात करें, बिल्कुल दीपक भाई ये भी बहुत जरूरी है सबका, मतलब ये नहीं होता कि इन हैंड कैश फ्लो सबके पास होता है, सब डाउन पेमेंट करके वगैरह ले ले। तो देखो लैपटॉप्स वगैरह सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, सारी चीजों पे ईएमआई हो जाती है, ये दो सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं दीपक भाई ईएमआई पे लेने के लिए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पे बंदा स्वाइप करवाना होता है बस, कुछ नहीं, उसका क्रेडिट कार्ड है पहले से और स्वाइप करवा लिया, अब उसकी क्रेडिट कार्ड से ईएमआई बन जाती है कि भाई हर महीने आपको 3,000-4,000 जो आपकी इच्छा है उस हिसाब से बैंक से हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ईएमआई भी अवेलेबल है और दिल्ली एनसीआर में, और दिल्ली में तो सीओडी अवेलेबल है और बाहर पॉसिबल। ये प्राइसेस तो हमने बताया सिर्फ ग्राफिक कार्ड की, कह रहा हूँ हार्ड ड्राइव, रैम, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, एसएसडी, ठीक है, बत्तेरी चीजें रहती है, लिक्विड कूलर, कैबिनेट, उन सब की प्राइसिंग जब सुनोगे ना मजे आ जाएंगे, सही में मजे आ जाएंगे, मौज कर देंगे, मौज करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। होता है ना देखो ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस देके दूसरे कंपोनेंट्स में प्राइस मतलब बढ़ा के हो जाता है, पर ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल बेस्ट प्राइस देने, आप बेस्ट से बेस्ट मिलेगा दीपक भाई, गारंटी दे रही हूं, क्योंकि और क्या जो सब्सक्राइबर मेरे वो आपके भी है, ठीक है, जो आपके भी है वो और यूट्यूबर्स के भी है जो हमारे तरह इतनी मेहनत की है, मेहनत करते हैं, बिल्कुल भाई। अभी भाई मेहनत देखो यार, धीरज भाई बता दो कितनी मेहनत लगती है यार, सभी की मेहनत लगती है ना भाई, सभी के सब्सक्राइबर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि बंदा बस वीडियो शूट कर रहा है दुकान में जाके, इसके पीछे की स्टोरी कोई नहीं देखता, इसके ऊपर एक पूरा व्लॉग बन सकता है कि बंदा घर से निकला है कैसे कैसे 10 तरीके से वो ट्रैवल करके आ रहा है, किसी के पास बाइक है नहीं है, फिर वो मेट्रो में आ रहा है, धूप में आ रहा है, फिर दुकान पे भीड़ है, वो वेट करेगा वीडियो बनाने के लिए, ये सब स्ट्रगल कोई नहीं देखता, ये सब करने वाला ही जानता है, बनाएंगे किसी दिन एक वीडियो, इसके ऊपर भी बनाएंगे सभी यूट्यूबर को बैठ के उनकी स्टोरी बनाएंगे, सबकी स्टोरी, सबका इंटरव्यू लेते एक दिन बिठा के इस चीज के बारे में भी कि क्या लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो भाई ये थी आज की वीडियो, तो वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और धीरज भाई की न्यू स्टोर आपको कैसी लगी, प्राइस कैसे लगे मेरे को कमेंट में जरूर बताना, गाइस ठीक है। और धीरज भाई की स्टोर का नंबर है मैं सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लोकेशन वगैरह और व्हाट्सएप का लिंक भी डायरेक्ट डाल दूंगा, आप सीधी बात कर सकते हो धीरज भाई से। और भाई चलो यही थी आज की वीडियो, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हो, आप कॉल पे बात कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि काफी अच्छे प्राइस के साथ में आने वाली है, बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जबरदस्त होने वाली है, तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।